शादी के बाद भी वही खाना। वाह वाह वाह, शादी हो गई, खाना खाना तो सीख गए तुझसे। मैं तो शादी के लिए तुझे कौन सा मजा होता है, बावरी क्या बोल रही है? सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि सबका ध्यान रख, कभी थोड़ा सा ध्यान रख। चल ठीक है, आज मैं तो देखता पर लास्ट टाइम है, ओके? लास्ट टाइम। हाय ऋषि, अगेन वेलकम टू जस्ट शोबिज। हाय। तो हम थीम के बारे में जानना चाहेंगे कि सावी उदास सी लग रही हैं, उनके हाथों में मेहंदी तो लगा है लेकिन फेस पे काफी उदासी है, खाना नहीं खा रही है और उनके दोस्त जो है वो काफी कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर ये क्या चल रहा है, क्यों सावी उदास है? सावी उदास इसलिए है क्योंकि घूम फिर के कुछ भी बोलो, सावी के दिल में तो नित्यम ही है जी। और सावी ने हर तरीके से उसको क्लियर किया गया, मेरे दिल में नित्यम ही है, नित्यम जो स्पेशल जगह है वो नित्यम की है, बाकी मानव या मोनू की भी एक स्पेशल जगह है पर वो एक एज अ फ्रेंड है, मतलब एज अ लवर नहीं है जे, जे। और उस तरीके से कभी सावी ने देखा भी नहीं। तो सावी के दिमाग में काफ़ी सारी कशमकश हैं कि पहली बात तो ये है कि वो जिससे शादी कर रही है वो एक दोस्त ही है, उसको उसने कभी उस नज़रिए से नहीं देखा है, तो पहली बात तो ये कशमकश है। दूसरी बात ये है कि ये जो भी चीज़ें हो रही है उन सब से उसको नित्यम की याद आ रही है जे, जे। तो उसकी वजह से भी सावी थोड़ी सी लो है, थोड़ी डाउन है, और क्योंकि वो डाउन है तो माना उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, मोनू उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, तो बस वैसा सही सीन है। मेहंदी लग चुकी है, मेहंदी लगने के बाद भी सावी अच्छा फील नहीं कर रही है, मेहंदी के दौरान भी सावी ने ऐसी एक बात बोली जब लग रही थी कि मुझे नहीं लगवाना है, मुझे M नहीं लिखवाना है, मुझसे अभी नहीं होगा, मेरे लिए बहुत जल्दी हो रहा है सब कुछ जे, जे। तो मोनू ने वो बात समझी और उसको बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हैंडल की वहाँ पर भी सिचुएशन की कोई बात नहीं, उसको नहीं लगवाना तो क्या फ़र्क पड़ता है, M लिखने से या कुछ और अल्फाबेट लिखने से कुछ प्यार जाहिर नहीं होता, तो नहीं लिखना उसको मत लिखने दो, कोई बात नहीं चलता है, और मैं उसको होने वाला हस्बैंड हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई फोर्स मत करो उसको, तो जितना हो सके माना उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर भी वही किया है, उसको खाने खाने की इच्छा नहीं हो रही तो उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि चल ठीक है कोई बात नहीं, खाना तो खाना पड़ेगा, बुरा फील भी कर रही है तो खाना खाना ही पड़ेगा, मतलब आपको एनर्जी तो चाहिए ही, तो किसी भी बहाने से गेम के बहाने से उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है जी। सावी के हाथों में मेहंदी लगी है वो तो खुश नहीं है, लेकिन आपके भी हाथों में मेहंदी लगी है तो वो ऑडियंस को दिखाई और आप बताइए, मतलब मानव कितना खुश है? मानव खुश है भाई, मानव के हाथ में मेहंदी लगी है, मानव का हमने ऐसा दिखाया है कि मानव का तो सपना था कि जब शादी होगी तो दोनों के हाथों में मेहंदी लगेगी, जो मेरी होने वाली बीवी उसके हाथ में मेहंदी लगेगी और मेरे हाथ में भी मेहंदी लगेगी, तो मानव के हाथ में मेहंदी लगी, मानव खुश है, मानव को मजा आ रहा है, मेहंदी लगी है, सबके सब नाच गाना कर रहे हैं, अच्छा माहौल है, मानव को उस बात के लिए मज़ा आ रहा है, पर थोड़ा सा टेंशन है कि सावी शायद उतना एंजॉय नहीं कर रही है, शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, क्या पता को कुछ बोलना चाहती है नहीं बोलना चाहती, तो उसको इसे मतलब थोड़ा सा सेंसिटिवली हैंडल कर रहा है अभी। थैंक यू सो मच ऋषि। थैंक यू। मैं इसका होने वाला पति हूँ, इसके ऊपर मेरा हक है। मेरा नाम नूतन गोयल है, मैं सावी की माँ हूँ और इसके ऊपर मेरा हक था, है और रहेगा। देखो यहाँ, तुम नहीं खिलाओगे मैं खिलाऊंगी उसे, बजड़ो।
चलिए शुरू कीजिए। राजा राइट थोड़ा। मिस्टर मानव जैन, बहुत दोष जमा रहा है तू। मैं इसका होने वाला पति हूं, इसके ऊपर मेरा हक है। एक बार कान खोलकर सुन, मेरा नाम नूतन गोयल है, मैं सावी की मां हूं। सावी के ऊपर मेरा हक था, है और रहेगा। दे दो यहां, तुम नहीं खिलाओगे मैं खिलाऊंगी उसे। हटो। मैं बहुत डर गया था।